vaya a su esposo que huye. Muñoz cura que atas. Soja oxygen es verso más cura es un chute. आपके ऑफिसरों को बता दूं कि जिस दिन ये आंसू, जिस दिन ये लोग निकलेंगे सड़कों पे, उस दिन आपके दफ्तरों में सैलाब आएगा। इस वक्त तकरीबन हजारों की आबादी में जो लोग हैं परेशान हैं और वो बिल्कुल अपने घरों से बाहर रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार कल शाम से जमीन खिसक रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन, घर घर की आवाज़, और मैं इरफान तिलगामी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोपोर के नौपुरा कलान के रहमत आबाद गांव में, और यहाँ पे क्या हाल है मैं अपने कैमरामैन को पहले बताऊँ कि वो थोड़ा सा आपको दिखाए कि किस तरह से इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 100 घरों को नुकसान होने का खदशा है। तकरीबन इस वक्त यहाँ पे 100 घर बेघर हो गए हैं, 100 घर जो है वो बेकस और लाचार हो गए हैं, और उन्होंने अपने बच्चों के साथ साथ जो बीमार थे उनके घरों में यहाँ से उन्हें शिफ्ट किया गया है, अपने कंधों पे शिफ्ट किया है। आप देख सकते हैं कितनी लापरवाही कर रहे हैं यहाँ पे इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ साथ महकमे R&B। जो महकमे R&B ये कहता है, जो ये दावा करता है कि हम सड़कें बनाते हैं लोगों के लिए, जो अब महकमे R&B ये कहता है कि हम बड़े बड़े पहाड़ों पे सड़कें ले जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सोपोर टाउन के रहमत आबाद इलाके की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हाल है। और जो महकमे इरिगेशन एंड फ्लोर कंट्रोल डिपार्टमेंट जो छोटी छोटी नहरें होती हैं वहाँ पे वो काम करते हैं, बड़े बड़े बंड बनाते हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है शायद उन्हें इसमें किसी ने रिश्वत नहीं दी होगी, शायद उन्हें यहाँ पे लगा होगा कि हमें मुनाफा नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये बंड आज तक यहाँ पे नहीं बनाया, जिसकी वजह से इस वक्त तकरीबन हजारों की आबादी में जो लोग हैं परेशान हैं और वो बिल्कुल अपने घरों से बाहर रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार कल शाम से जमीन खिसक रही है। और तकरीबन मैं अपने कैमरामैन को बता दूं, वो आप एक बार आपको जरूर दिखाए कि किस तरह से क्या हाल है इस वक्त रहमत आबाद सोपोर का, कितने लोग घरों से बाहर बैठे हैं, क्योंकि आप इन्हें शायद घरों के अंदर डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े क्रेक्स हुए हैं, बड़े बड़े क्रेक्स पड़ गए हैं, बड़े बड़ी दरारें जो है वो पड़ गई हैं, सिर्फ गफलत सारी जो है महकमे इरीगेशन और साथ ही साथ महकमे R&B की। बहरहाल मकामी लोगों से बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अगर यहाँ कहूँ और योर के अल्लाह ताला थायो सेहत सलामत, क्या ये विकस गए गिर गया मस्जिद में ठारह अगस्त मे वोसा ये ये अफसर तुम क्या वन तुम बस दिवान नजर तो बस नुदाय सवाल नहीं दिखा तवजु बिल्कुल ना कहें रसा पस पाई माल तो बहुत ये अद क्या बहु खुदाय सज मेहरबानी अगर तुम तो करूस कह अल्लाह ताला थायो सेहत सलामत। मेरा नाम रुखसार हुसैन भट्ट। क्या मसला मसलों 2020 मार्च आई लैंड स्लाइड अख बड़ तकरीबन ये करीबन 1700 मीटर यह नाले पोहर ये वन यह प्रोन नाला यप वसान अत आई लैंड स्लाइड अम लैंड स्लाइड नी यह रोड सोरे पान सोडस पे बस्ती तकरीबन 70-100 चूल ये तो वनस फ्रेश आज आए तत आई लैंड स्लाइड तत पे आई डिपार्टमेंट आव चाहे सह R&B इरीगेशन फ्लड कंट्रोल AD साहब आव तहसीलदार साहब आए तमाम आई यम ये डिस्ट्रिक्ट बारामस ये सब रिलेटेड अफसरस या डिपार्टमेंट तुम आए तुमो विजुलाइज वुचुक नजार तुलुक तो द्राय DC साहब आव एम पत पान एमिस ओस तेम सात एक्जन सत R&B युक एक्जन ते सरदार जी सुत ओस तुमो ते वुच तेम पत वापस गई अजुक तनत कहान काम आमस करन बिल्कुल न कहे काम पत कम तेम पत कोर अस कोर पान ते अस गई डी साहब कोविडस दरमियान तद अस अस दिवा आसने की मगर अस गई इवन कि एक बार मैंने उसको कॉरिडोर में मेरे के साथ मुश्ताक साहब था कॉरिडोर में उसका गला पकड़ा मेरे आजू बाजू में पुलिस वाले उनने गन अपने खड़ा किया मैंने कहा हम जड़ रहे हैं हम मर रहे हैं वहाँ मैं क्या देखूँ डी साहब क्या है उस वक्त इतने हालात थे आज उससे बदतर अब हालात गए आज की सुबह में आज की एक साल पूरा हो गया आज की सुबह आज ही मार्च में आज फिर फ्रेश लैंड स्लाइड अब ये जो आज लैंड स्लाइड हुई है ये बहुत
चेतावनी वाली लैंड स्लाइड है। अब मस्जिद पाक भी, इसका भी अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला शहीद होने का अब अंदेशा है। घर वालों ने सामान बांध के रखा है, निकलने पे है। बीमार कुछ थे यहाँ हमारे, उनको हमने पहले से ही रुक 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 करके निकाला यहाँ से, जो हमने ये थोड़ी पटरी बनाई है लकड़ी की, इसी से अब ये भी खिसक गई है। अब हमारा ना आगे जाने का कोई रास्ता है ना पीछे जाने का। अब करें तो करें क्या, जाएं तो जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सारा का सारा सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन, आज कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो टस से मस नहीं हो रहे। उनको हमारे हाल वो नहीं जानते, वो अपनी कुर्सी में है, अपनी अयाशी में है। उनको चाहिए कि अगर हम भी कश्मीर के हैं, आखिर अफसर आने वो हमारे लिए, जब हम उनको बनाते हैं तो बनते हैं, वरना वो कहाँ अफसर बने, किन के लिए बनते हैं वो? आखिरकार अगर आवाम का काम नहीं होगा तो किन का काम हो जाएगा फिर? और जो प्रायोरिटी वाली काम हो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ध्यान ही नहीं देते हैं वो। हम परेशान हैं यहाँ, बिल्कुल आज रात सोए नहीं हैं हम। ये घराने जो रास्ते पर बिल्कुल रास्ते के किनारे पर है, वो बिल्कुल आज रात को सोए ही नहीं है, ऐसे ही जागे है। तो हम आपकी वसातत से, हम आला हुकाम, इसमें एलजी साहब भी है, और सुना है कि हमारे नए डीसी साहब आए हैं, बहुत अच्छे हैं, रिजनेबल कोई पर्सनलिटी आई है, हम उनसे इस्तदा करते हैं, गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट टू दियर गुड सेल्फ एंड टू दियर हाइनेस कि प्लीज़ एज सून एज पॉसिबल इसमें दखल दीजिए और इस काम को मेहरबानी करके इस अंजाम पर तक पहुँचाइए, ताकि हम इस परेशानी से छुटकारा पा सके। नाल बन या नारि में ज़मीन यह वो बन तो वन पत्म लट पत्म दो वो पेटा जमात अख प्रत कह आव सीढ़ पिसत प्रत कह आव सू दिवा बच बच कथ करा क्या सुबह करो कल करो इन बेहद वो आर एड बी वालों के ये लाजम मगर इरीगेशन वालों मगर तम अफसर पे लेवल पे मगर तुम अन जो नफर अख नफर यो ज्यादा गई इरवे नाव कर सोन घर बहुत वह बहुत हम तक बोहर मज भर तमाम चीज तमाम बिस्तर ये शुरे कत नीस वन मान करो गो कुछ जाए दहन बन दिन कहान दिन घर अंदर अचन मे वन बच बच त्रे अड़े सोच मे ब्या द्रग अति बस पे आंगन में बंडीपोर सोच तुम अंकन तुम यूत वन दो सकूल गोम यह पान चलान नान पान मोज آکسیجن گرس مزہ اندر نشن ٹھہرا ٹوٹلی بہنس کھین ٹوٹلی ٹھہرا بہنس کھین رسا رسا اندر آرام شری شری مون گھن دس گھو نا کہ صبح سکول گھن تم کڑ زبردستی موج نا مانا ٹوٹلی نیر کہین تو بہ نیر نی بہ کیا کر اور سہس کڑ زبردستی اخ مٹ دس ست تو بس نیر سارے گئی تمام گئی ڈی سی صاحب تہ آو بس پانے آو ڈی سی صاحب بس آپ نفر زک نفر بس کم نظ کر کہین یہ پارس نومبرس منسلائڈ ہو گئی آج سے ایک سال پہلے ہم افسر کے پاس بہت بار گیا وہ بول رہا ہے کل صبح اور ساری نائن صفائی کر رہا ہے افسر بھی یہاں پہ آ رہی ہے نظر مار کے کوئی کام نہیں کر رہا ہے ایک ٹھیکدار آ رہی ہے یہاں پہ اس نے کام لیا اس کو پیسہ بھی آ گیا فنڈ پہ وہ دو بندے کام کرنے لے آ رہے آئے یہاں پہ وہ صرف دو بندہ آ رہی ہے میں نے اس کو پہلے ہی بولا یہاں پہ کشمیر میں اکثر موسم خراب ہونے کی خطرہ ہے وہ بول رہا ہے میں کیا کروں گا اس کے کوئی پریشر نہیں ہے پیچھے سے वो आ रही है अपने मस्त से काम कर रहा है मगर यहाँ पे गवर्नमेंट कभी नहीं आ रही है एक बार आ रही है नज़र मारे ऐसी फल्ड वाली आ रही है ऐसी नज़र मारी फिर भाग गई यहाँ से क्या लगता है अगर यहाँ पे बांट दिया होता तो शायद ये नुकसान नहीं होता अगर पहले उसने ये काम किया एक साल से पहले काम होने की मतलब ज़रूर हो जाएगा उसने मगर कोई काम नहीं किया और अपनी मर्जी से काम कर रहा है गवर्नमेंट कहाँ है इस टाइम गवर्नमेंट सही सो रही है यहाँ पर नहीं आई है उसे थोड़ा सा नज़र मारी मारुति में आ रही है नज़र मार रहा है फिर भाग जा रहा है हमने मकान बनाया अपना पैसा बनाया अपने खून के साथ ही मकान बनाए हम किसी के हम मेहनत कर रहा है वो नहीं आए कहाँ है गवर्नमेंट है वो सॉरी बताएं कि अगर यहाँ पे उन्होंने बंड बनाया होता तो क्या लगता है आपको ये नुकसान यहाँ पे नहीं होता अगर पहले ही बना रहे हैं एक साल से पहले कोई नुकसान नहीं हो रहे एक साल उसे डील ही कर दिया
आज आ रहे, बारिश आ रही, फिर काम किया उसने, 15 दिन काम करा, 10 दिन काम, फिर भाग जाओ, आप देखो कहाँ है हुआ, वो सो गए यार, उसने पैसा भी आ गए। हम चाहते हैं अगर गवर्नमेंट पहले आ गया हमारा कोई फ़ायदा है, अगर गवर्नमेंट इस टाइम आ भी है सकते हैं, हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है, हम बिल्कुल नुकसान हो। गवर्नमेंट दावे कर रहे हैं, कौन सा दावे कर रहा है, ये जीरो लेवल पर सारी काम कर रहे हैं। मैं ग्राउंड लेवल पर स्टाफ साहब से बात कर रहा हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं, सारी झूठ बोल रहा है, कौन सा इंसाफ है, ये आप देख खुद भी देख सकते हैं। वो कहाँ है, फलन वाली श्रीनगर से आ रहे, आपस में बात कर रहा है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये दावा करते हैं कि हमारी हुकूमत जो है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो करप्शन, निपोटिज्म और फेवरेटिज्म को बढ़ावा नहीं दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रहमत आबाद इलाका जो है सोपोर नौपुरा कलान का, यहाँ पे जरूर शायद महकमे इरीगेशन, फ्लड कंट्रोल और आरएनबी डिपार्टमेंट को करप्शन के नाम पे यहाँ से जाना जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं लोगों के मुश्किलात जो है, अगरचे वो पिछले एक साल से देख रहे हैं, लेकिन एक साल से उन्होंने इस हवाले से कोई भी इकदाम नहीं उठाया। मेरे ख्याल से आज एडीसी सोपोर के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर बारामूला को चाहिए कि जरूर एक बार इस इलाके का दौरा करे और यहाँ पे देखे कि यहाँ पे जिंदगियाँ किस तरह मोहताज और मुफलिस बन के रह गई हैं। यहाँ के लोग अपने घरों में सामान बांधे हुए हैं और निकलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जमीन बिल्कुल खिसक रही और बड़ी बड़ी दरारें पड़ी है। शायद कल को उन ऑफिसरान से पूछा जाएगा जिनकी वजह से आज ये लोग पिस रहे हैं, उन्हें कल रब्बे जुलजलाल की बारगाह में खड़ा होना है, उन्हें कल जवाब देना है कि आखिरकार क्यों लोग उनसे परेशान थे, आखिरकार वो क्यों लोगों के मुश्किलात हल नहीं करते थे। और जहाँ पे लोग इन्हें रिश्वत नहीं दे पाते हैं, उनकी तरफ ये ध्यान भी नहीं देते हैं, चाहे लोगों की जान ही क्यों न चली जाए, उन्हें उन सब बातों का परवाह वो बिल्कुल भी नहीं करते उन बातों की। बहरहाल नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी मुलाजिम है, कोई भी ऑफिसर है, वो तनख्वाह लेता है गवर्नमेंट से लोगों की खिदमत करने की, ना कि वो कुर्सियों पे बैठेंगे। बहरहाल नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत, वीडियो जर्नलिस्ट खान आबिद के साथ, खुदा आपका हामी और नासिर, कश्मीर जिंदाबाद। बाइनल अक्वी सतुक नामवर जरई मरकज बायोस्टेट इंडिया लिमिटेड चु मेव बागो बापत बायोजाइम फ्रूट प्लस ग्रेन्यूल्स लिक्विड पेश करान, यम्यूक बुनियादी मवाद एस्को फाइलम नडूसम नॉर्वे पेट हासिल करित खमीरी अमल हिंद जरिए बेंटोनाइट रलवित तैयार चु करने वा। बायोजाइम चु मदनियातन हुंद खजान यु जमीन हिज जरासीमी कुवत तो पैदावारी सलाहियत बढ़ान सीत सीत कुलियन बीमारियन तो मौसमी हालातन हुंद मुकाबल करनुक ताकत बख्शान। बायोजाइम चु फ्रूट सेटिंग चूंट रंगदार रसदार तो वर खत्म करनस मज कार आमद लबना आमुत जरई यूनिवर्सिटी शालमर तो हिमाचल सिफारिश कोर्मुत वलियो अस्ते करो पन्न बागन मज बायोस्टेट इंडिया लिमिटेड बायोजाइम फ्रूट प्लस ग्रेन्यूल्स तो लिक्विड इस्तेमाल तो आनो पन्न बागन बहार। KLM International School, Defence Road, Mamun, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself, Stenzin from Leh Ladakh, I'm staying in KLM International School. The KLM International School is one of the best school in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess facility where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए, खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही। For admissions from nursery to plus two, all streams, kindly contact 9216504779 and 9216505779.